ना ऐसा किसी ने सोचा था और ना ही उम्मीद थी, पर जब देखा तो दूसरों को न देखने की सलाह और चेतावनी देते गए। परिणाम 300 करोड़ का अनुमान लगाकर 10 करोड़ के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये बदनसीबी है इस दिवाली पर रिलीज हुई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। पहले दिन का इतिहास रचकर बाकी दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से मात खा गई आमिर खान और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कारोबार को हिला कर रख दिया है और अब बात दूध का जला छाछ फूंक कर पीने तक पहुंच गई है। इसी महीने देश दुनिया में 2.0 की रिलीज है। रजनीकांत, अक्षय कुमार, टन भर स्पेशल इफेक्ट्स और 550 करोड़ का खर्चा। एक और बड़े ये यूं कहें भारत की सबसे महंगी फिल्म के चर्चे जितने हैं उसे हासिल कर मुनाफा कमाने की सोच फिलहाल तो घबराहट की थैली में कहीं बंद हो गई है। निर्देशक शंकर ने 2 साल की मेहनत और तमाम संकट के बाद इस फिल्म को पूरा किया, लेकिन सवाल यह है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के झटके से इतनी जल्दी उबरना कितना आसान होगा। ईद पर सलमान ने रेस 3 में वो कमाल नहीं दिखाया और न ही दिवाली पर आमिर खान ने। नए साल के आने से पहले बॉक्स ऑफिस इन कड़वी यादों को 2.0 की सफलता से मिटाने को आतुर है। शंकर षटमुखम के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम 2.0 इसीलिए रखा गया क्योंकि ये साल 2010 में आई फिल्म रोबोट का सीक्वल है। पिछली बार रजनीकांत ने ही हीरो और विलन का रोल निभाया था, लेकिन अब की बार अक्षय कुमार विलन के रोल में हैं और बेहद ही खूंखार नजर आ रहे हैं।